हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि लगभग बिहार के सभी विभागों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे पोस्ट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, यानी बहुत सारे पोस्ट इसमें हैं, ठीक है। और इसके अलावा बिहार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उसमें जितने भी पद पर, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, अगर संविदा कर्मी हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि उच्च स्तरीय जो समिति है, यानी कि चौधरी कमेटी, उसका रिपोर्ट सरकार को सौंपा जा चुका है और उसका मैं आपको दिखाऊँगा लाइव प्रूफ विथ फोटो, यानी कि फोटो के साथ में, ठीक है, कि मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और उसमें क्या क्या अपडेट आया है आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने अभ्यर्थी हैं जो काम कर रहे हैं संविदा पर बिहार के अंतर्गत, चाहे बेल्ट्रॉन के अंतर्गत हो या किसी विभाग के अंतर्गत हो, सबके लिए यहाँ पर अपडेट आया है और सबके लिए बड़ी खुशखबरी भी है। तो वीडियो को शेयर पूरा कीजिए जितना हो सके, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट या इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आगे भी इस तरह के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको बड़ा अपडेट इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है। तो यहाँ देखिए, आप लोग को वो रिपोर्ट जो अपडेट है उस दिखाने से पहले आप लोग को दिखा दूँ लाइव फोटो, जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट यहाँ पर सौंपा जा रहा है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ये हैं चौधरी कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा लेता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदाता, डेटा एंट्री ऑपरेटर और विभागों के अधीन जो कि अधीनस्थ बोर्ड हैं, निगम प्राधिकार के संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, दाएँ से तीसरे, यानी कि ये वाले, ये है आपको अशोक कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतिवेदन सौंपा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है, ठीक है। और साथ में है कौन कौन, मुख्य सचिव दीपक कुमार, ठीक है, सीएम के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, और दाएं से दूसरे और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुभानी बाएं, ठीक है। यहाँ पर सभी का फोटो है आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो उच्च स्तरीय समिति है जिनके लिए जो भी काम कर रहे हैं बिहार के अंतर्गत सभी विभाग में संविदा पर, उनका पूरा रिपोर्ट यहाँ पर सौंप रहे हैं। ये अध्यक्ष हैं और ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनको सौंपा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये मैं आपको दिखा दिया लाइव फोटो, जो कि कल को ही सौंपा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेल्ट्रॉन का साफ साफ जिक्र है, ठीक है, सीएम को सौंपा गया प्रतिवेदन। तो इसमें बेल्ट्रॉन के जितने भी काम कर रहे हैं जो भी पोस्ट पर, सभी के लिए, खास करके डीईओ के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए अब दिखाते हैं इसका रिपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसका जब जब आया है अपडेट उच्च स्तरीय समिति का आप लोगों के लिए, तो मैं हर समय आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, और यहाँ पर भी आया है एक अपडेट, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपडेट। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप कहीं पर भी किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं बिहार के अंतर्गत संविदा पर। तो देखिए, संविदा ऑपरेटरों की सेवा हो सकती है 60 साल, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं सभी की सेवा 60 साल हो सकती है, क्योंकि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में ये क्या गया है, अनुशंसा। देखिए पहले देख लेते हैं कुछ मेन अपडेट, तब दिखाएंगे आपको पूरा अपडेट। सुविधा बढ़ेगी क्या क्या, कि आकस्मिक यानी कि आपको CL और अर्जित अवकाश यानी कि CPL भी मिल सकता है कर्मियों को, और बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा ली आती है अभी। स्वास्थ्य विभाग के कई पद इसमें हैं शामिल। बताया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति ने कई पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों के मामलों में विचार किया है, और इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर बोर्ड निगम के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा पर कार्यरत कई पद शामिल हैं, और उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं को सरकार लागू करती है तो इन्हें फायदा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका अपडेट एक एक करके, जो कि अपडेट आया हिंदुस्तान न्यूज़ की तरफ से। बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य विभागों के अधीनस्थ बोर्ड निगम प्राधिकार के संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा शर्त को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंप दी है, जैसा कि मैंने आपको इसका फोटो भी दिखा दिया आपको सौंपते हुए। और इस मौके पर एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुभानी इस मौके पर उपस्थित थे, और सूत्रों के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा 60 साल
हो सकती है, यानी समझिए एक तरह से पक्का ही, आप लोगों को 60 साल तो नौकरी सबका होता ही है, तो हो गया समझिए नौकरी पक्की, आप लोगों को फिर कोई हटा नहीं सकता है। और देखिए बड़ा अपडेट क्या है कि बेल्टॉन द्वारा जो है विभिन्न विभागों को मुहैया कराए गए जो कि काम कर रहे हैं, बेल्टॉन में जो सिलेक्शन होते हैं उनको अलग अलग विभागों में भेजा जाता है, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर के अलावा जो है निगम बोर्ड में काम कर रहे संविदा कर्मी पिछली बार के अनुशंसाओं में शामिल नहीं थे और इस वजह से उनकी सेवा जो है शर्तें नहीं बन पाई, और वहीं सरकारी कर्मियों के सामने दूसरी सहूलियतें भी इन्हें मिल रही हैं, और सरकार ने दोबारा उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया था ताकि वह इन संविदा कर्मियों के संबंध में जो है भी अनुशंसा दे सके, क्योंकि जो पिछले बार जो था उसमें इन लोगों का जिक्र नहीं था, इस वजह से इनका कार्यकाल बढ़ा करके इन लोगों को भी शामिल किया गया है, खास करके बेल्टॉन में जितने भी पोस्ट हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर जितने भी हैं, तो यहाँ पर बेल्टॉन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। और अगर नौकरी से हटाए जाने पर हटाई जाती है आपको तो अपील का भी आपको अधिकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट है, ये आपको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बताऊँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, तो बाकी ये वाला अपडेट आप जाके मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करके इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग के लिए बड़ा अपडेट है, जितने विभाग में काम कर रहे हैं संविदा पर या जो बेल्टॉन के ऑपरेटर हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।